अब बीच में मेरा खाने का ब्रेक आया रात का टाइम था दस साढ़े दस का मैंने कहा अच्छा बिलाल मैं खाना खा रही हूं। आप साथ साथ पढ़ना शुरू करें मेरा खाना खत्म हो गया मेरी ग्रीन <laughs> हो मेरे वो नहीं हुआ मैं कहा नहीं ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हुआ या उर्दू पढ़ नहीं पाते इनकी उर्दू बहुत अच्छी है मुझे वक्त लगता है Uh, मैंने पहले भी आई थिंक इंटरव्यू में बताया था कि जब मुझे ऑफर सू, हुई थी तो मैं रोमन में स्क्रिप्ट मंगाई अच्छा मैंने रोमन पढ़ के अपने नोट्स नोट बना के सब कुछ बहुत डस्टबिन में डाल दी मैं कहा ये मैं कैसे करूंगा <laughs> फिर उन्होंने उर्दू की स्क्रिप्ट मंगाई और उन्होंने कहा कि नहीं इसको पढ़ना है विच इज ग्रेट बिकॉज उर्दू आई कैन मुझे टाइम ज्यादा लगता है.

नहीं जो मेरा रहता जो उर्दू है वो थोड़ा नहीं शायद मैं अब अमेरिकन स्कूल में क्यों होता है ना यार अमेरिकन स्कूल के बच्चे हैं आप नहीं ब्रिटिश सिस्टम सॉरी ब्रिटिश ऑलराइट अब मैं आपको बताऊं कि मैं तो ब्रिटिश एक्सेंट निकल रहा होता है अच्छा ये वैरी इंटरेस्टिंग बात है तो डिड यू ग्रो अप इन

एक्सप्रेशन नहीं छोड़ा हाँ ठीक है अगर वो मेरा भाई है तो तुम भी मेरी बीवी <laughs> हेलो मैं ही हूँ ठीक है और मैंने ऐसे ऐसे वही मैं इशारे कर रही हूँ तुम क्या कर रही हो मैंने सही तो बोला <laughs> मैं बिलाल गलत लाइन है गलत तो बोली थी मैंने बेटी को बोटा चला गया, गया। बेटी को बोटा हो जाता है पाटान पाटान भी आ जाता है पाटान मैं आपको बताऊ उसमें हुआ क्या कि मेरा सब मजाक उड़ाते थे अब सब गलत उर्दू बोल रहे हैं सब कोई वो क्योंकि को सब बोटी को बोटा कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं हर किसी की बेटी और बेटा आना था बोटी और बेटा वर्ड था ठीक है बोटी और बेटा तो बेटे ने को बोटी खिलाओ कुछ इस तरह का वर्ड था रेस्टोरेंट में तो उन्होंने कहा ये बोटा बोटा <laughs> लेकिन खास बात यह है कि 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 हम हम नहीं 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 छोड़ते हैं। हाँ। हम गलत तो तो अच्छा तो उसे सब कुछ कर कर जाएंगे और हमें खुद भी होता हमने क्या <laughs> लेकिन आपको नहीं लगता आपने आपने एक sort of एक दिया है आप दोनों के किरदारों की शादी तो हो जाएगी हमारी ना हो अच्छा अच्छा मतलब तो मैं कह रहा था जब पच्चीस चौबीस एपिसोड पढ़ी आपने जब सुनी चौबीस या बीस पढ़ी भी। भी बाकी, आपने। मुझे मिली बाकी नहीं। मैंने कहा नहीं, <laughs> <laughs> तो नहीं, नहीं जो मैं इनको बोलती हूँ ना पहले दिन जाके बहुत अच्छा ड्रैग नहीं हुआ क्या मेरी लाइन ये तो तो आप दोनों को इंडिविजुअली क्या स्क्रिप्ट की यूएसपी क्या लगी

उट ऑफ exactly. बिल्कुल ठीक है ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ इससे पहले तो कभी कोई कहानी बनी नहीं इस बनती रहती है हसन लेकिन इसकी जो मुझे लगता है मैं आपसे हमेशा कहती हूँ की सिर्फ आके ना ये डांस करना या एक्टिंग करना नहीं होता तो और बड़े उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हम लोग नहीं महसूस करते हुँ. और अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि सब कुछ पैसा भी नहीं होता होता है बट सब कुछ नहीं होता तो so, जब ये कहानी आई थी ना तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिल को लगी थी जो शायद हर घर की एक लड़की एक बीवी एक माँ को फेस करनी पड़ती है हम लोग ना बचपन से एक बेटी में ये डालने लग जाते हैं कि तुम लड़की हो तुम बेटी हो तुमने काम नहीं करना तुम बाहर नहीं जाओगी ये गलत है लड़का अगर गर्लफ्रेंड बना ले तो बहू को हम कहेंगे वाह 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 वा, वा, मतलब उसकी पसंद है लड़की अगर कोई बॉयफ्रेंड बना ले, कोई पसंद कर ले किसी को, तो लड़की जो है वो अच्छी इज्जत की लड़की है लेकिन जो लड़की को पसंद आ जाए तो तुमने तो बड़ा गैरत मतलब हर वक्त हर बात पे औरत ही इज्जत फैमिली की होती है इस पे बहुत लाउड चीजें नहीं बोली गई बड़े प्यार से आपने एजुकेट किया थी थी। बड़े तरीके से और जो कल्चर डिफरेंस सिखाया गया क्योंकि किम पाकिस्तान से बाहर से आई है उसके लिए तो ऑलरेडी एक बड़ा एक कल्चर तो, शॉक बहुत ज्यादा कि अच्छा तो मैं तो सच बोलती हूँ सच बोलना तो आसान काम है जो कि हम लोग शायद उसको मुश्किल बना देते हैं हम एक औरत को आजादी नहीं देते हम कहते हैं ये गलत है ये अगर किसी को डिवोर्स हो गई है तो उसको वैसे मार दो लेकिन आप कभी किसी बेटी को ये नहीं कहते कि बेटा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं तुम पे कोई हाथ उठाए तो यहाँ आ जाना हम कहते हैं तुम्हें मार दे जनाजा उठाएगा तुम्हारा ये जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना और ये कभी रातों रात नहीं होगा हसन ये इसी तरह से आते जाएंगे बताते अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सजल और बिलाव कुछ अन कही मैंने उसको फॉलो किया क्या खूबसूरत बात बाप अपनी बेटियों के लिए उस पर चल रहा है इवन जो बाकी के लोग कर रहे हैं कि बेटा होना या ना होना इतना जरूरी नहीं कि बेटियां है इतनी हैं उनको तो बनाओ उन पर ट्रस्ट तो करो मतलब वो आप करवा पढ़ाई करवा देते हो मास्टर्स करवा देते हो बड़े फखर से बताते हो मेरी बेटी जो है वो मास्टर्स कर रही है बीबीए कर रही है आगे क्या करना आगे इसकी रिश्ता ढूंढ रहे हैं शादी करनी है ये क्या बात हुई आपने जिंदगी के इतने साल लगा दिए कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नहीं करना

इट्स इट्स इशू इन सोसाइटी एंड मैं आपको बता दू हम कहते हैं जी गाँव में बड़ा होता है नो इट्स इन एवरी क्लास यू कैन नॉट यू कैन नॉट ग्लैमराइज आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं वो यू टेक इट्स ओके इट्स नॉट बिकॉज आपकी बहन माँ पे नहीं हो रहा अगर आपकी बहन माँ पे हो तो आपको पता चले कि क्या हो क्या होता hmm. आप तब क्या करेंगे यू hmm. नो you know, तो तब आपकी गैरत जाग जाती है तो भाई आप पहले से शुरू से ही प्रॉपर यू नो एजुकेट करें बट आप मैसेजेस जो हैं एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट्स व्हाट आई फील या नहीं नहीं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे ड्रामे प्रॉब्लम्स को तो हाईलाइट करने का बहुत अच्छा काम करते हैं कभी सॉल्यूशंस yeah. नहीं बताते कभी भी नहीं आता आज uh, मेरी अम्मा का मुझे कभी जिंदगी में मैसेज इस तरह से नहीं है उन्होंने बड़े इंस्टाग्राम पे मेरा टीजर देख के मुझे मैसेज किया बे, माशाल्लाह बेटा दिल खुश हो गया मेरी अम्मा ने कभी मुझे मैसेज नहीं किया मैंने उनको कॉल किया अम्मा आपने टीज़र देखा कहती मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब जो लड़कियों को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जाता तो तुम्हें ये तुमने ये काम किया है तो मुझे इतना अच्छा लगा मुझे खुशी हुई कि अगर मेरी माँ ये बात कर रही है, तो बड़ी माँ ये बात करेंगी